हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ अपनी गाड़ी के फॉग लैंप्स को चेंज। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रहने वाले हैं मेरी गाड़ी के स्टॉक फॉग लैंप्स। अब मैं इन्हें चेंज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये हो चुके अंदर से बहुत ज़्यादा गंदे, एंड इसने थोड़ा सा, जैसे आप देख सकते हैं, ये सड़ाना शुरू कर दिया है। इवन दो मैंने इसको पीछे से डैम्पिंग से कवर कर रखा था। जोन से प्रोजेक्टर में अपग्रेड कर रहा हूँ। कुछ सोच रहे होंगे कि मैं IPS के साथ जा रहा हूँ या मैं कोई प्रोजेक्टर वाले फॉग लैंप्स के साथ जा रहा हूँ, बट मैं प्रोजेक्टर वाले फॉग लैंप्स के साथ ही जा रहा हूँ, जो जो बात है। बट वो थोड़े से डिफरेंट रहने वाले हैं। वो कैसे डिफरेंट रहने वाले हैं? जो प्रोजेक्टर मैं लगा रहा हूँ वो ये रहने वाले हैं। पीछे से कुछ ऐसे दिखते हैं, ये प्रॉपरली सील्ड है, प्रॉपरली बने हुए हैं, प्रॉपर सीलेंट वगैरह के साथ। एंड जैसे जो हमारा स्टॉक होल्डर होता है ये उसी में ही फिक्स हो जाएगा। सबसे अच्छी चीज़ ये है। एंड इसके साथ ये वाला हमें अडाप्टर मिलता है। इस अडाप्टर को हम वैसे डायरेक्टली नहीं प्लग कर सकते, इसके लिए अलग से हमने एक वायर लेनी होगी जो कि ये रहने वाली है। इसको हम यहाँ पे प्लग करके एंड फिर इसको अपने जो फॉग लैम्प के बल्ब हैं उनसे हम कनेक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि जो हमारे स्टॉक कंपनी के फॉग लैम्प होते हैं उसमें ये कनेक्टर आता है। हमारा जो ये कनेक्टर है ये इसके साथ नहीं वर्क करने वाला। जो ये वाला हमारा फॉग लैम्प है ये इसमें फिक्स भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके जो ये हैं, जो भी इन्हें बोलते हैं इंसर्ट्स, ये बिल्कुल ही अलग है। एंड इसके बहुत ज़्यादा डीप हैं इंसर्ट्स, जो आप कह सकते हैं। और ये कपलर जो है उतना डीप नहीं जाने वाला। ये कपलर प्रॉपर डीप जाने के लिए बना है, जिससे कि ये प्रॉपरली कनेक्ट हो जाए। जो ये दो फॉग लैम्प्स हैं इनमें जो मेन फर्क हमारा आने वाला है, मेन फर्क आने वाला है हमारे आउटपुट का एंड कलर का, जो स्टॉक आता है। जैसे कि जो हमारे कंपनी के प्रोजेक्टर्स हैं इसमें हमें मिलती है येलो लाइट, और जबकि जो ये हमारे प्रोजेक्टर है इसमें मिलती है हमें व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट अभी कैसे आ रही है? ये व्हाइट लाइट आ रही है LED से, जो इसमें प्री इंस्टॉल्ड आ रही है हमें। ये किसी कंपनी का नहीं है एज सच, ये एक चाइनीज प्रोडक्ट है। इस पर कोई वारंटी गारंटी नहीं आती है, और ना ही आप इसके बल्ब वगैरह कुछ चेंज कर सकते हैं। अगर हमारा ये फॉग लैम्प खराब हो जाता है तो पूरी की पूरी असेंबली ही चेंज होने वाली है, जबकि हमारा अगर ये खराब होता है तो इसमें हम बल्ब चेंज करवा के इसका काम चला सकते हैं। इन दोनों में यही मेन फर्क रहने वाला है, बाकी सारी चीजें सेम है। और आउटपुट का थ्रो भी हमारा इसका ज्यादा आने वाला है। जो हमारे ये प्रोजेक्टर्स रहने वाले हैं इनमें हमें एक ऑप्शन और मिल जाता है, जो ये नट आप देख पा रहे हैं, इससे हम प्रोजेक्टर की जो है बीम को भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से इसको इंस्टॉल करने के बाद। किसी को थोड़ी ऊपर वाली बीम पसंद है तो किसी को नीचे की तरफ वाली बीम पसंद है। इसको लगाने के लिए हमें ये जो ये लिखा हुआ है .CSAE, इसको हमें ऊपर की तरफ रखना है, ऐसे की तरफ रखना है, जबकि हमारे जो नॉर्मल कंपनी के प्रोजेक्टर, ये सॉरी फॉग लैंप्स होते हैं, इसको हम कैसे भी कर सकते हैं। ये प्रोजेक्टर हमारे सेट ऑफ टू में आते हैं, एंड इसका एक पीस मैं ऑलरेडी गाड़ी में इंस्टॉल कर चुका हूँ। जिसका आउटपुट एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कर दी हमने अपनी पार्किंग बल्ब्स को ऑन, एंड प्रोजेक्टर ऑन करने के लिए हमने ये बटन दबाया, एंड यहाँ हो जाते हैं हमारे प्रोजेक्टर्स ऑन। एक मेरा प्रोजेक्टर लगा हुआ है जो मैंने अभी लिया LED वाला, एंड दूसरी तरफ लगा हुआ है नॉर्मल हेलोजन बल्ब। इसमें मैं आपको एक बारी मेन बता देता हूँ कि कैसा आगे से लुक आने वाली है। ये आप देख सकते हैं ये बीम कुछ फॉर्म कर रहा है ये, एंड ये वो येल्लो कलर की जो आप देख पा रहे हैं ये बीम फॉर्म कर रहा है अपना स्टॉक हेलोजन बल्ब। आगे से देखा तो ये ऐसा दिखने वाला है कुछ, आप देख सकते हो। ऑब्वियसली LED ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा अच्छी लग रही है, और इसका लाइट का थ्रो भी अपने हैलोजन से ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। और ये लाइट ऐसी भी नहीं है कि आगे कोई बंदा खड़ा है तो उसकी आंखों में चुभ रही है, कुछ ऐसा हो रहा है। ये बहुत सही लाइट है, मतलब ना ज़्यादा चुभ रही है ना ज़्यादा कुछ कर रही है आगे वाले को डिस्टर्ब, जो बंदा आगे भी खड़ा है। एंड इसका बीम पैटर्न भी थोड़ा अच्छा है, हम साइड से देखें अगर तो ये अच्छा खासा थ्रो हमें प्रोवाइड कर रही है। एक बारी अंदर से देखते हैं इसका रिस्पॉन्स कैसा लगता है एक बारी फिर से, एंड लास्ट में मैं इसके ड्राइविंग शॉट्स भी आपको दिखाने वाला हूँ। अंदर से कुछ ऐसा आउटपुट हमें दिख रहा है, आप देख सकते हैं जैसे खाली प्रोजेक्टर की ही लाइट आगे जा पा रही है, एंड ये जो अपने हेलोजन है इसकी लाइट आगे नहीं जा पा रही है ढंग से। अब फटाफट करते हैं दूसरे प्रोजेक्टर को भी इंस्टॉल, एंड फिर देखते हैं दोनों का आउटपुट कैसा होता है। इन्हें इंस्टॉल करने का प्रोसेस हर गाड़ी के लिए वेरी करने वाला है। जैसे मेरे को इंस्टॉल करने के लिए इसमें क्या करना पड़ा, जैसा आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें कवर को रिमूव कर देंगे। कवर को रिमूव करने के बाद
ये प्रोसेस स्विफ्ट डिजायर के लिए रहने वाले है, स्विफ्ट के लिए भी सेम प्रोसेस है या कोई भी कार के लिए ऑलमोस्ट ये सेम रह सकता है प्रोसेस। ये रिमूव करने के बाद हमें ये चार नट को अनस्क्रू करना है और ये फॉग लैंप आ जाएगा बाहर। तो उसके बाद पहले मैं इतना काम करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ आगे। सो जैसे कि अब खुल चुके हैं चार नट एंड इसको हमें सिंपली बस पुल आउट करना है। सो ये हमारा प्रोजेक्टर जो है ये आ जाएगा, सॉरी फॉग लैंप बाहर ऐसे। एंड इसको निकालने के लिए जस्ट इसके कपलर को हमें पीछे की तरफ से पुश करना है, यहाँ से प्रेस करते हुए ये रहा इसका वो। सॉरी मैं सिंगल हैंड ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है शो करने में, मैं इसको उतार के आपको करता हूँ। सो अब आ चुका है ये फॉग लैंप एंड ये कपलर हमारे आगे। सो हमें कपलर से करना क्या है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। इसको हमें थोड़ा सा पीछे करके इस कपलर की वायर को कट कर देना है थोड़ा जैसे इस डिस्टेंस से, एंड हमें इसमें लगाना है अपना जो नया वाला कपलर रहने वाला है अपने प्रोजेक्टर्स के लिए। एंड फिर इसको हमें अच्छे से वायर से कवर कर देना है और वायर से कवर करके ऐसे रखना है कि इसमें पानी बिल्कुल भी ना जा पाए किसी भी कनेक्शन में। सो एक बारी मैं सारा प्रोसेस करके आपको फिर दिखाता हूँ। ये जो कपलर रहने वाला है हमारा, इसकी वायर्स होती है बहुत छोटी, सो हमें इसको भी पहले बड़ा करना पड़ेगा वायर्स को, तभी हमें इसके साथ इसको कनेक्ट करना है। एक और चीज़ जो हमारी इसमें ग्रीन वायर रहने वाली है ये रहने वाली हमारी पॉजिटिव की, एंड ब्लैक वायर इज फॉर नेगेटिव। अब हमें इस वायरिंग को अपनी इस वायरिंग से जोड़ना है जिसके बाद डायरेक्टली कपलर हमारे प्रोजेक्टर में लग जाएगा। सो मेन कपलर हो चुका है हमारा कनेक्ट यहाँ से, एंड इस तार को मैंने कर दिया है पूरा का पूरा सील। अब हमें इस तार को भी सील करना है जिससे पानी जाने की वजह से इसमें भी कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हो चुका है इसका ये वाला पार्ट भी सील इलेक्ट्रिक टेप से पूरा अच्छी तरीके से, यानी जो हमने कनेक्शंस करे थे ये भी। सो अब टाइम आ चुका है इसको अंदर वापस से पैक कर देने का। सो ये कुछ हमें देखना है मेनली इसमें हमारा जो ये लेने वाला है जो लिखा हुआ है ये सीधा होना चाहिए, एंड बाकी इसको हमें ऐसे इंसर्ट करके थोड़ा सा प्रेशर लगा के इसको वहीं लीव कर देना है। सो ये हो चुका है हमारा इंस्टॉल। अब हमें वापस से चारों नट लगाने हैं इसके अंदर, और इससे पहले एक बार टेस्ट भी कर लेते हैं हम चला के कि ये वर्क करता है या नहीं। सो नाउ इट्स टेस्ट टाइम। ये करा हमने इसको ऑन और ये करे फॉग लैंप्स ऑन। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वर्क कर रहा है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हो चुका है सक्सेसफुली इंस्टॉल, एंड रिस्पॉन्स कुछ ऐसा रहने वाला है लाइट का जो आप देख सकते हैं। अभी इसको हम यहाँ से हटाएंगे एंड फिक्स करेंगे, फिर देखते हैं फाइनल आउटपुट कैसा आता है। सो फाइनली अब इसके नट भी लग चुके हैं एंड ये हो चुका है इंस्टॉल। अब जो लास्ट काम हमारा बचा है वो है इसका ढक्कन लगाना। सो अब हो चुके हैं हमारी गाड़ी में फॉग लैंप्स इंस्टॉल। सो मैंने स्टार्टिंग में जैसे बोला था कि ये चाइनीज प्रोडक्ट है, बल्कि ये चाइनीज प्रोडक्ट नहीं है, ये मेड इन ताइवान आते हैं। मेरे को इसमें कन्फ्यूजन हो गई थी क्योंकि एक चाइनीज वाले भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि इन प्रोजेक्टर से थोड़े से चीप हैं, एंड उनकी लाइफ में भी थोड़ा सा फर्क है एंड आउटपुट में तो फर्क है ही है। सो अब आ चुके हैं थोड़े अंधेरे वाले एरिया में इस लाइट का रिस्पॉन्स चेक करने के लिए बस एक बारी, जिससे आपको और क्लैरिफिकेशन हो जाए कि कैसा इसका आउटपुट रहने वाला है। सो अब जैसे हम यहाँ पे अपनी हेडलाइट बंद कर देते हैं एंड मैं फोन की भी फ्लैश एक सेकंड बंद कर देता हूँ, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं फॉग लैंप हमारे ऑफ हैं एंड मैं इन्हें ऑन करता हूँ अब। सो आगे कुछ रिस्पांस ऐसा रहने वाला है फॉग लैंप्स का, एक बार उतर के भी देख लेते हैं कैसा रिस्पॉन्स है फॉग लैंप्स का। सो जैसा कि आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स कुछ ऐसा रहने वाला है इन फॉग लैंप्स का, एंड आगे से देखने में ये कुछ ऐसे लुक दे रहे हैं। जैसा आप देख सकते हो लाइट ब्लिंक कर रही है तो वो ख़राब हो चुकी है, ये भी मैंने रिप्लेस करनी है अभी। सो इसका रिस्पॉन्स जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल नीचे बिल्कुल परफेक्ट थ्रो आ रहा है, एक जो लीनियर थ्रो की ज़रूरत होती है फॉग लैंप से। इवन इसमें हमें हेडलाइट जलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली कुछ कुछ केसेस में, लाइक यहाँ पे इवन जस्टिस नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये यहाँ पे भी लाइट आ रही है जो कि ये कैप्चर नहीं कर पा रहा फ़ोन, बल्कि आगे भी रिस्पॉन्स जा रहा है इसका थोड़ा थोड़ा। सो ये रहने वाला है प्रोजेक्टर का आउटपुट रात के टाइम पे। सो एक बार ये आगे की तरफ भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ से कैसा दिखता है
आगे का, जैसा कि आप देख सकते हैं ये रहने वाला है इसका आउटपुट, जहाँ से आपको ये लाइन कटती हुई दिख रही है, बल्कि आउटपुट इससे भी आगे जा रहा है, बट वो फ़ोन में कैप्चर हो नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों। यहाँ पे प्रॉपर हमारे जो लाइन्स है वो बन रही है, एंड साइड में का एरिया भी ये कवर कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी रोड की कवरेज हमें मिल जाती है इनसे। तो एक बार ही आ जाते हैं फिर से गाड़ी के अंदर, एंड अंदर से हमें कुछ ऐसा व्यू दिखता है, एंड अगर हम हेडलाइट ऑन कर लेते हैं तो हमें कुछ ऐसा व्यू दिखता है। एंड हाई बीम में इस ये है इसका रिस्पॉन्स, एंड विदाउट हेडलाइट ये रिस्पॉन्स रहने वाला है इनका। सो अब बात कर लेते हैं एक बारी इस प्रोजेक्टर के प्राइस की। सो जो इस प्रोजेक्टर की प्राइस रहने वाली है, जो मेरे को ये पड़ा है अराउंड 2000 रुपीज़ का, एंड आपके यहाँ भी ये प्राइस वेरी कर सकता है, तो कम हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे, तो हर जगह एरिया के हिसाब से चलता ही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।